चलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वेलोसी रैप्टर के बारे में। 1923 में वेलोसी रैप्टर का फॉसिल्स एंड्रू नाम के एक व्यक्ति को मिला था। 1924 में पीटर कैसन नाम के एक व्यक्ति ने वेलोसी रैप्टर का फॉसिल्स को दुनिया के सामने लाए थे। उसी साल हेनरी फेयरफील्ड ऑसबॉर्न ने उस फॉसिल को देखकर उसे वेलोसी रैप्टर का नाम दिए गए थे। 2007 में ये पता चला कि वेलोसी रैप्टर को पंख भी थे। 2008 में एक फॉसिल मिला था और उस फॉसिल को देखने के बाद वेलोसी रैप्टर को दो अलग अलग स्पीशीज में डिवाइड किया गया था। एक वेलोसी रैप्टर मंगोलनिसिस, दूसरा वेलोसी रैप्टर ऑस्मोल्स के। वेलोसी रैप्टर का एक फैमिली था, उस फैमिली का नाम है ड्रोमियोसॉरिडे। वेलोसी रैप्टर ग्रीन कलर में रहते थे। उसका हाइट 6.8 फीट तक रहता था और उसका लेंथ 1.6 फीट। उसका वजन 15 किलो तक रहता था। उसके पूरे 30 दांत रहते थे। वेलोसी रैप्टर का स्पीड 64 किलोमीटर पर हार तक रहता था। वेलोसी रैप्टर का मतलब है रनिंग लिजर्ड। वेलोसी रैप्टर एक कार्निवोरस डायनासोर था। वो एक कार्निवोरस डायनासोर होने के नाते प्रोटोसेराटॉप्स को ज़्यादा खाते थे। वेलोसी रैप्टर देखने में छोटे थे पर बहुत ही भयंकर और खतरनाक रहते थे। वेलोसी रैप्टर बहुत ही तेज होने के कारण वो हंटिंग अच्छे से करते थे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में वेलोसी रैप्टर का कहानी खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए पैरासोलोफस का जानकारियाँ रखूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।